बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायके में। तो मेरे प्यार दोस्तों, आज मैं आपके लिए मेथी का बहुत ही स्पेशल क्रिस्पी सा पराठा लेके आया हूँ। ये बनाना बहुत आसान है और इसको इतना क्रिस्पी और मज़ेदार कैसे करना है, खुशबूदार कैसे करना है, सभी बातें डिटेल से बताऊंगा और इंशाल्लाह इतना ही परफेक्ट मेथी का पराठा आप भी बना सकेंगे। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक खूबसूरत सा बाउल लेंगे और इसके अंदर हम 2 कप लेंगे आटे के। आटे को पहले मैंने अच्छे से छान लिया था। चलें जी, ये आप मैदे से भी बना सकते हैं, रेड आटा जो होता है उससे भी बना सकते हैं। सबसे पहली चीज़ इसमें जाएगा 1 से 2 चम्मच दही के, और ये है हमारे पास घी 1 चम्मच भर के। घी से ये बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। 1 से 2 चम्मच इसमें बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ प्याज जाएगा। ये है हमारे पास हरी मिर्चें फ्रेश वाली 1 चम्मच, और अगली चीज़ इसमें जाएगी ये है हमारे पास मेथी। ठीक है, मेथी के सिर्फ आपने पत्ते यूज़ करने हैं, इसकी जो टहनियाँ होती हैं ना, जो इसके तने होते हैं वो आपने यूज़ नहीं करने, उससे पराठा भी फट जाएगा और वो गलते भी नहीं है, पकते भी नहीं है। ठीक है, ये पत्तों को मैंने अच्छे से धो लिया था। अब इसमें थोड़ा सा धनिया ऐड कर देते हैं 1 से 2 चम्मच बारीक कटा हुआ। चलें जी, अब इसके अंदर 1 टीस्पून नमक जाएगा। याद रखिएगा 2 कप आटे के थे और 1 चम्मच भर के 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, और है हल्दी 1/2 टीस्पून, और इसमें सिर्फ ज़ीरा मैं ऐड करूँगा। ये लें जी, बिल्कुल 2 चुटकी करीब ज़ीरा होगा पाउडर में। और ये है हमारे पास थोड़ी सी कसूरी मेथी। इससे क्या होगा, मेथी का ओवरऑल जो फ्लेवर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब पानी ऐड करने से पहले अच्छे से आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है इस तरह से, और कोशिश कीजिएगा नीम गर्म पानी लिए। उससे क्या होता है कि डो जल्दी से बन जाती है। इस तरह अगर घी हम पानी ऐड करने से पहले अच्छे से मिक्सिंग करें तो जो पराठा है वो बहुत ही क्रिस्पी बनता है। चलें जी, अब देखें जब अच्छे से मिक्सिंग हो जाएगी तब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसकी डो बना लेंगे। अच्छा, डो बनाने के बारे में मैं आपको बताऊं, अगर आपने डो अच्छे से ना बनाई तो आपका जो पराठा है ना वो या तो फट जाएगा या वो सही से मतलब आपसे बेला ही नहीं जाएगा। तो जब भी आपने डो को बनाना है अच्छी तरह से आपने उसको गूंदना होता है। कैसे गूंदना होता है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ये देखें आप, इस तरह से मुखियां बना के आपने इस तरह से आपने इसको गूंदना है। कम से कम 2 से 3 मिनट आपने इसको ज़रूर गूंदना है इस तरह से। ठीक है, इससे क्या होगा, पेड़ा आसानी से बनेगा और इतनी ज़्यादा मेथी ऐड होने के बावजूद आप गोल रोटी बना सकेंगे। हल्का सा पानी लगा देंगे और इसको हम 10 से 15 मिनट का स्टे देंगे ताकि इसमें स्टेबिलिटी आ जाए। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे तकरीबन 15 मिनट का हमने इसको स्टे दे दिया है। अब हम क्या करेंगे, हाथों को खुशका लगा लेंगे और यहाँ पे एक खूबसूरत सा पेड़ा बना लेंगे। ये लीजिए, जब भी पेड़ा बनाएं कोशिश करें कि 5 से 6 पेड़े जो हैं वो इकट्ठे बना लें ताकि हम पेड़ों को भी थोड़ा सा स्टे दे लें। इससे क्या होता है कि रोटी बेलने में आसानी होती है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पे खुशका लगा के टेबल पे हम इसको बेल लेंगे, बहुत ही आसानी से ही हम इसको रोटी बना लेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक बात और कि ये बिल्कुल गोल रोटी नहीं बनती होती जिसमें हम इतनी ज़्यादा मेथी या कोई भी वेजिटेबल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ में आपने घबराना नहीं है। ये देखें, और अब हमने क्योंकि इसमें घी यूज़ किया हुआ है बड़ा अच्छा पराठा बनेगा। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे तवा लेंगे, हाई फ्लेम के ऊपर हम इसको गर्म करेंगे और इसके ऊपर हम इस रोटी को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पकाएंगे। और इसको यहाँ पे हम थोड़ा सा सही भी कर सकते हैं, गुलाई अगर कम ज़्यादा है तो उसको ठीक किया जा सकता है। चलें जी, यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा पका लिया है तकरीबन 1 से 1.5 मिनट। उसके बाद इसको पलट लेंगे, जब नीचे हल्का सा कलर आना शुरू हो जाए ना तब आपने इसको पलट लेना है। और यहाँ पे भी आपने इसको 1 से 1.5 मिनट ज़रूर पकाना है, फिर इसके ऊपर आपने घी लगाना है। घी का इस्तेमाल किया करें, इससे जो पराठे हैं वो बहुत क्रिस्पी होते हैं। जो ऑयल होता है उससे पराठा क्रिस्पी नहीं होता, नरम हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह से जब नीचे रेड कलर आ गया था तब मैंने इसको पलटा है। दोनों साइड से अच्छी तरह से पका लेंगे और इसको क्रिस्पी कर लेंगे तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखें जी, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमते नियमते और बढ़ते जी उसने हमारे हाथों में हमारे खानों में। चलें जी, इसको निकालते हैं। इसको आप साग, इसको आप अचार के साथ, दही के साथ, सॉस के साथ सर्व कीजिए और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कितना क्रिस्पी है और कितना खुशबूदार है। खुशबू को आप महसूस करें। तो ये ले जी, इसको मैं दूसरी साइड से दिखाता हूँ, देखें। तो इसी बात पे, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट जरूर कीजिएगा। अब इसी अंसारी को दीजिए इजाजत, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। ब्रेकफास्ट रेसिपी के लिए, पराठा रेसिपी के लिए, यमी एंड टेस्टी रेसिपीज के लिए, ईजी ब्रेकफास्ट रेसिपी के लिए हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाइए।